हाउसवाइफ है सब जानती है। हेलो हेलो, मैं सोना की दादी बोल रही हूँ। समधन जी, जरा सोना से बात करा दीजिए। क्यों नहीं, आप कह रही हैं तो बात कराएंगे। अरे जरूर कराएंगे। आपके समधन कहने में तो हमको धन दिखता है। ऐसा लगता है कि आप कहती रहे और हम सुनते रहे। समधन धन 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 धन। तो जरा उससे बात करा दीजिए। हाँ हाँ जरूर कराएंगे, लेकिन अभी हमारी बहू कुछ सुना सोना की दादी अम्मा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये घुंघरू नहीं बज रहे हैं, ये आपकी लाडली सोना बर्तन मांज रही है। फोन काटती। हम समझ गए हैं कि तुम घर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। घर का ही काम क्यों, तुम्हें कोई भी काम दे दो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। तो बिटिया, जब तुम इतनी अच्छी हो तो फिर क्यों 40,000 का घाटा करके बुरी बन रही हो, हैं? मम्मी जी, अच्छा बुरा तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। लो, फिर से आ गया तुम्हारी दादी अम्मा का फोन। हमको ही उठाना पड़ेगा, तुम तो बहुत बिजी हो। हेलो, आवाज की दुनिया से बाहर आइए, लाइव टेलीकास्ट है। दादी माँ, कैसी हैं आप? अच्छी, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक, आइए ना। तू क्या कर रही, तू जा। ये लाइव टेलीकास्ट मेरी समधन के लिए है, तेरे लिए नहीं। तुझे तो बहुत काम होगा, अगर खाना बना लिया है तो बर्तन करना होगा, झाड़ू लगा लिया तो पोछा मारना होगा, कपड़े धो लिए तो उसे सुखाना होगा। जा तू जा। 2 मिनट हम आपके साथ। बेटा, वैसे भी तेरे पास काम की तंगी है, इस तरह फैल के अगर मिलेगी तो वक्त सिकुड़ जाएगा। क्या समधन जी, क्या मैंने इसलिए आपके घर से रिश्ता जोड़ा था? अरे मैंने आपको सोना दिया, सोना, ताकि आप अपनी ये लंका सजा सके, पर आप हैं कि उसे चूल्हा चौका करवा रही हैं। ये 500,000 का काम तो कोई नौकरानी भी कर सकती। थैंक यू, थैंक यू समधन जी, आप ग्रेट हो। कहाँ थे आप? अरे ये 500,000 में हाउसवाइफ को उसकी औकात बताने वाली बात हमारे दिमाग में आई ही नहीं, और आपने भी पहले क्यों नहीं बताया? अब तो आ गई है ना दीदी। अगर आप दोनों को लग रहा है कि सोना ने हाउसवाइफ का काम इतने अच्छे तरीके से निभाया है, तो आप दोनों को सामने से जाकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। जब उसे पता चलेगा कि आप दोनों उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। बेटा, जो पुलिस अपने माँ के काम ना आ सके वो किस काम की? मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं? माँ के दूध का इतना बड़ा हमारे ऊपर कर्ज है, मम्मी जी के काम आना ही तो हमारा फर्ज है। बेटा, क्या तू नहीं चाहता कि तेरी माँ जब घर से बाहर निकले तो लोग कहे वो देखो वो जा रही है? इंस्पेक्टर बेटे की माँ, जिसकी पत्रकार बहू 40,000 रुपया महीना कमा के घर लाती, इस घर के मान सम्मान के खातिर तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। ओके मम्मी जी, काम नंबर 1। तो देख बेटा, तू आज से, ना ना ना, अभी से ये ठान ले, कुछ भी कर ले, मुझे सोना बहू को नौकरी पे जॉइन करवाना पड़ेगा। ठान लिया मतलब? ठान लिया मम्मी जी। काम नंबर 2। अच्छा सुन, सोना को ये समझाने के लिए कि हाउसवाइफ की औकात क्या होती है, तुझे इंतजाम करना होगा। आपके हर इंत को हम जाम देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस आदेश दीजिए। तो तुम्हें तुरंत एक नौकरानी का इंतजाम करना होगा। काम वाली? ठीक है मम्मी जी, आपने जो बोला सो बोला। हाउसवाइफ है सब जानती है।